अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी डैडीश नक्सा, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब, आज इस वीडियो में एक क्विक सी मेकअप लुक हम क्रिएट करने वाले हैं। मैंने सोचा नहीं है कि मैं भी कैसा मेकअप करूंगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ साथ मेकअप करने वाली हूँ और देखते हैं क्या क्या हम लोग डिसाइड करते हैं। ये मैंने ड्रेस पहना हुआ है और ये मुझे पीआर आया था, और मैं पेज टैग कर दूंगी उनका उधर इंस्टाग्राम की पोस्ट के नीचे, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। तो चलिए जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से अपना मेकअप करते हैं। हिजाब, मैंने एक और हिजाब है वो आप लोगों ने मुझे बताना है, लाइक लास्ट पे डिसाइड करेंगे कैसा हिजाब है हम लोग करते हैं, कैसा हिजाब स्टाइल इसके साथ करूंगी मैं। और इसके साथ साथ क्योंकि इसका नेक जो है यहाँ यहाँ तक ओपन है, ठीक है, तो हमने यहां से भी इसको कैसे कवर करना है तो जल्दी से हम लोग देखेंगे लास्ट पे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन का बटन दबा देना है। अच्छा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे जॉनसन का बेबी लोशन, और इसके बाद हम लेंगे ये वाली आइवरी क्रायलोन की स्टिक, ठीक है। तो इसको जो है मैं लोशन खोलूंगी, लो ढक्कन ही टूट गया है, वो पता नहीं कहाँ चला गया है, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं लोशन लूँगी, इसके बाद इसके ऊपर जो है मैं वो लगाऊंगी इसको ये स्टिक, इसको एक लिक्विड बेस बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया होगा मैं हमेशा जो अपने स्किन के ऊपर लिक्विड बेस लगाती हूँ, तो मैं इस तरह बेबी लोशन के साथ इसको जो है वो लिक्विड फॉर्म में कर लूँगी। बहुत इजी तरीका होता है, अगर आपके पास नहीं है आपके पास लिक्विड स्टिक नहीं है तो आप इसको ऐसे लिक्विड बेस भी बना सकते हैं। तो इसको मैं अब लगाऊंगी ऐसे आराम आराम से अपने फेस के ऊपर, और बहुत ना ही नेचुरल सी लुक देती है बाद में, क्योंकि बेबी लोशन जो है अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर और बहुत ही अच्छी अच्छी सी फ्रेश फ्रेश सी लुक आती है। अच्छा, टैप टैप करके इसको हम पूरी फेस के ऊपर बेस लगा लेंगे, और इसके बाद मैं अगेन जो है वो स्टिक अपने हाथ के ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ी सी ऑयली ऑयली हुई हुई है। अगेन मैं सेकंड कोट करूंगी दबा दबा के, ठीक है, ताकि वो अब्जॉर्ब भी हो जाए और शाइन शाइन भी आना स्टार्ट हो जाए स्किन के ऊपर। तो इस तरह मैं अच्छी तरह इसको लगा लूंगी। ये हमारी बेस लग चुकी है, और इसके बाद मैं टिश्यू से जो होंड पे लग गई थी ये मैं साफ़ करूंगी। और चलें जी, अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नेकेड की ये लूँगी किट और आई शेडो पैलेट, और मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। चलें जी, खैर देखते हैं क्या करते हैं। पहले हल्का सा मैं ग्रे कलर लूँगी और ये मैं अपनी आईज़ पे लगाऊँगी, और इसके बाद मैं स्किन और पिंक का जो है कॉम्बिनेशन, स्किन और वाइट का कॉम्बिनेशन जो है वो मैं लूँगी आई शेडोज़ में, और उसके बाद जो है उसको एज अ हाइलाइटर यहाँ पे यूज़ करूँगी ताकि वो स्किन लुक भी आ जाए। और उसके बाद जो है क्योंकि मुझे ग्रे कलर नहीं मिल रहा है, मेरे पास किट्स बहुत पड़ी हुई हैं लेकिन मुझे लगाने को नहीं मिल रहा है कोई सा भी ग्रे कलर जो मैं चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं अब इस तरह ही बनाऊँगी। अगेन मैं ग्रे कलर लूँगी इसमें से, ये बहुत ना न्यूड कलर, न्यूड पैलेट है ना, तो इस वजह से मैं अगेन इसका जो ब्लैक कलर लूंगी इस कॉर्नर से, इसके एजेस से हम लोग करेंगे इसको डार्क। इसी तरह हम लोग अच्छे से ब्लेंड करते जाएंगे। और इसके बाद मैं अगेन हल्का सा पिंक और जो पिंक और सिल्वर का जो मिक्सचर है वो मैं लूँगी, और वो मैं इसको एज अ हाइलाइटर यहाँ पे यूज़ करूँगी। फिर अगेन मैं हाइलाइटर लूँगी और यहाँ पे जो है आइज़ के स्टार्ट में इसको लगा दूँगी, ठीक है जी। उसी हाइलाइटर को हम लोग चलाएँगे अपनी आई शेडोज़ में भी, और ये अच्छे से हम लोगों ने लगा लिया। और इसके बाद मुझे ये किट मिल गई है जिसमें से हमें ग्रे कलर मिल जाएगा, ये ग्लैमरस की किट है, और अब मैं इसके अंदर से ये देखें, ये वाला मुझे ग्रे कलर चाहिए था, तो अब मैं ये वाला ग्रे कलर लूँगी हाथ से अगेन, और इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी, ठीक है जी, बहुत अच्छा लगेगा ये वाला। तो ये लेके हम लोग इसको इस तरह लगा देंगे। इसके बाद मैं अगेन थोड़ा सा ब्लैक कलर लूँगी, ब्लैक आई शेडो पैलेट लूँगी, और उसको एजेस से थोड़ा सा डार्क करेंगे। उसी मैंने ग्लैमरस की पैलेट से ही ब्लैक कलर लिया है, और ये हम अच्छे से इसके साथ, इस सूट के साथ अच्छा लगेगा।
ग्रेश ब्लैक का। तो ये नीचे भी हम लोग जो है वो ग्रेश ब्लैक कलर की जो है वो शेड्स लगा लेंगे आईज के नीचे भी। तो ये जनाब हमने ग्रे ग्रे जो है नीचे आईज के लगा लिया है। इसके बाद मैं ये हाइलाइटर लूंगी, हाइलाइटर को यहाँ पे लगा के, और जो स्टार्टिंग में हम लोग शेड लगाते हैं ना हल्की सी, वो लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। और ये हमारा ऑलमोस्ट थोड़ा सा आई मेकअप कंप्लीट होने वाला है। हम इसको अगेन पूरा आपस में जो है वो ब्लेंड कर देंगे ताकि अच्छे से वो सब जो आपस में ब्लेंडिंग हो जाए। इसके बाद जो है वो मैं ब्लैक कलर लूँगी अपने जो आईब्रोज की जो शेप है, जो जहाँ पे स्टिक लग गई होगी वहाँ पे उसको जो है वो बैलेंस करूँगी, ठीक है जी। और क्योंकि मेरी आईब्रोज ब्लैक हैं तो मैं ब्लैक शेड लूँगी हल्की सी, और इसको मैं बस एजिस से इसके सेट कर लूँगी अपनी आईब्रोज को। इसके बाद जो है एसेंस का ये मस्कारा लूँगी, बहुत ज़बरदस्त मस्कारा ये वाला, और मुझे बहुत पसंद है। और ये जो है मैं अच्छे से अपनी लैशेस पे लगा लेंगे। कोशिश पूरी हो रही है मुंह बंद रखने की कि कोई स्टाइल ना बने मुंह का, लेकिन फिर भी क्योंकि जब मस्कारा लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली मुंह खुल जाता है इंसान का, और तरह तरह से फिर मुंह के स्टाइल बन रहे होते हैं ताकि कहीं और ना लग जाए मस्कारा। सो ये हमारी एक आईज कंप्लीट हो गई है, और इसी तरह हम लोग जो हैं वो दूसरी आई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारा ऑलमोस्ट मस्कारा जो है कंप्लीट होने वाला है। मैंने इसके अंदर जो है वाइट पेंसिल भी लगानी थी, बट वो मेरे पास अभी नहीं है, वो बहुत दूर पड़ी हुई है। खैर वो मुझे लेने जाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, आज इसी तरह से मेकअप ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग लगा सकते हैं। और ये हमारा मस्कारा कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद जो है हम लोग ये ब्लश ऑन लगाएंगे। ब्लश ऑन मैंने उशास की पैलेट ली है, ये पहले मैंने लाइट ब्राउन कलर से कंटूर करूँगी हल्का सा, क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी स्लिम है तो स्लिम थोड़ा सा लुक देता है। तो यहाँ पे हम जो है बाद में पिंक शेड लगा लेंगे, इसको हर तरफ से लगा लेना है मुँह पर, ठीक है, ताकि कोई हमारा जो है वो चीज़ खाली ना रह जाए इसके ब्लश ऑन से। तो इसके बाद जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया, और फिर मैं अगेन मैं ब्रश लगाऊंगी और ये हम कंटूर करेंगे इसका नोज़ का। तो ये नोज़ के ऊपर मैंने साइड पे हल्का ब्राउन शेड लिया, इसको भी हम लोग उंगलियों के साथ ही कंटूर करेंगे जनाब। और ये इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि अपनी आईब्रोज के जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना आपकी आईब्रोज, वहाँ से आप जो है वो हल्का ब्राउन शेड अपनी नोज़ की तरफ लगाया करें, तो ये बड़ा अच्छा सा कंटूर हो जाता है, ठीक है जी। और इसके बाद जो हाइलाइटर को हम लोग सेंटर में लगा लेंगे, ये हमारा नोज़ कंटूर हो गया। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे भी हाइलाइटर लगा लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे लिप्स के ऊपर लगा लेंगे, ये बहुत अच्छा लगता है। चलो जी, ये हमारा हाइलाइटर भी कंप्लीट हो गया। अब मैं रिवाज की पेंसिल लूँगी पिंक शेड में, जो भी शेड हुआ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, हर चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और ये मैं इसके साथ लगाऊँगी, अब लगा के देखना मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा लगा लिया मैंने। अब मैं इसको टिश्यू के साथ साफ करूँगी। हमेशा मुझे लगता है मैंने बहुत डार्क लिपस्टिक लगा ली है। साफ़ किया, लगाया, और ये हमारा नेचुरल पिंकी सा लुक जो है वो आ गया है। चले जी, हमारा मेकअप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम आपके पास आते हैं फाइनल लुक के साथ हिजाब करके। और अब मैं इसको इस तरह करके ये दुपट्टा इस तरह रख लूंगी, और हमारा जो है वो सब सेट वेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो चले जी, ये हमारी है फाइनल लुक, ये फुल एंड फाइनल, अब नहीं चेंज करना है मैंने। और इसके साथ साथ अपने ढेर सारा ख्याल रखना है, याद रखना है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मैं आपको पूरे ड्रेस की जो पिक्चर है वो दिखा दूंगी, वीडियो में लगा दूंगी लास्ट पे, और उसके बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसा लगा। अक्सर इंसानों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता है क्या स्टाइल करे, कैसे करे, और कौन सा हिजाब स्टाइल रखे। तो आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है।
होता रहता है, दुनिया चलता है। तो चले जी, अल्लाह हाफिज, फाइनली टेक केयर, बाय बाय। सुबह तू मेरी सांसों में समा।